सरना समाज, सरना भजन, सरना स्तुति, मतलब सरना कोड, ये एक इनडायरेक्ट मैसेज जाना स्टार्ट हो गया है। अब हम पीछे हटने वाला नहीं है जो 2003 में हम लोग करे थे। 2003 के बाद ये गिनती कर रहा हूँ और हम एश्योर करते हैं आपको, क्योंकि हम लोग अब हम लोग का धर्म को प्रदर्शित करने के लिए, हम लोग का धर्म को बताने के लिए, हम लोग का पूजा पाठ सिद्धांत को, दर्शन को ठीक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा या अन्य चीज़ों को, चूंकि उसे पता नहीं है आदिवासी क्या चीज़ है, तो आने वाला काल में हर साल हम लोगों को प्रार्थना सभा का आयोजन करना पड़ेगा और महानगर में करना पड़ेगा। और मैं आपको यकीन के साथ करना चाहता हूँ, ये एक साधारण हम लोगों का शुरुआत है। अब हम पीछे हटने वाला नहीं है जो 2003 में हम लोग करे थे। 1,00,000 आदमी अगला बार आएगा इसी तारीख को, देख लेना, मैं बोल के जा रहा हूं आपको। और उस दिन सब धर्म में झूमेंगे हम लोग, सब स्तुति में झूमेंगे, सब आराधना में झूमेंगे और हमारा प्रभातारा मैदान भरा पड़ा रहेगा। क्योंकि हमको पता है बहुत सारे राजस्थान के लोग और अन्य लोग जो करते हैं उस सब में भी इतने लोगों का भागीदारी होता है, धार्मिक में भी और सामाजिक में भी उतना होता है, तो हम लोगों का ये संभव हो जाएगा। ये पूरा मैदान, मतलब पूरा बिशुनपुर का सब गांव आ जाएगा, लोहरदगा का सब गांव आ जाएगा, सीसई का सब गांव आ जाएगा, गुमला का सब गांव आ जाएगा और हिनेई हमकर रांची आस पास कर कांके कर ऐसा सब गांव आ जाएगा, तो रांची कने आटेगा नहीं आटेगा, भर जाएगा सब। और यही चीज हमको बचाएगा, हमें कोई नहीं बचाएगा, हमें अपने आप को बचना है। सत्ता सरकार कठिन है, कई लोगों से मिला जुला रहता है, इसीलिए अभी अब हम कर रहे हैं, आज यहाँ पर बैठे हैं, तो इसका संदेश जाएगा, इसका संदेश सरना समाज, सरना भजन, सरना स्तुति, मतलब सरना कोड, ये एक इनडायरेक्ट मैसेज जाना स्टार्ट हो गया है उसको जाना। इसीलिए आज कल का ये माहौल, ये मौसम आएगा और डेफिनेटली हम लोग बेहतर कर पाएंगे। तुम लोग समझते होगे कि हम इनकर धर्म कर्म अचानक कैसे डूब गया, कैसे कमजोर हो गया। यहाँ ये झारखंड प्रदेश, झारखंड के यहाँ पर सिर्फ उरांव मुंडा आदिवासी का ही देश था, ये हम गुलाम हुए तब हमारा धर्म प्रथा परंपरा पढ़ा सरना पूजा सब खत्म कर दिया गया। गुलाम हुए पहला राजाओं के द्वारा, 1151 में राजा लोग आया यहाँ, रातू का महाराजा, पालकोट का राजा, ये लोग हमको गुलाम बना दिया, हमारा धर्म को करने नहीं दिया, हमारा पढ़ा को जागने नहीं दिया, हमारा अखरा को धांस दिया, हमारा सरना में जोबली लगा दिया और हमारा जात्रा नहीं जाने दिया, हमारा विनती प्रार्थना नहीं करने दिया, हमारा पहान को गड़बड़ुआ दिया। इसके बाद जमींदारी आया, जमींदारी रूल और पूरी तरह से क्रश किया, भयानक। आप लोग सोचते होंगे ना कि हम लोग अभी जगा रहे हैं, इससे पहले हमारे पुरखों के द्वारा जगाया हुआ था। इस धर्म की स्तुति और इसका प्रार्थना और विनती और इसका डंडा कटना पूजा, भेलवा फारी पूजा, कर्म का पूजा, सरहुल का पूजा, ये सब में इतना बड़ा बड़ा दर्शन है जितना इस दुनिया में जितने भी धर्म है किसी के पास नहीं है। इसको मैं भी बताता हूँ कैसे नहीं है, इसे वो दर्शन से पैदा हुआ है और वो था। लेकिन गुलामी बहुत बुरा चीज है। जब भारत देश गुलाम हुआ, मुगलों का गुलाम हुआ, ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम हुआ, सारा भारत देश का प्रथा परंपरा संस्कार संस्कृति सब नष्ट हो गया। बौद्ध धर्म के द्वारा बनाया गया मूर्ति धसा दिया गया, उसके द्वारा बनाया गया सरना धसा दिया जाएगा, उसके द्वारा पूजा पाठ करने वाला जत्रा स्थल को छीन लिया जाएगा और सब कुछ को संकीर्ण बना दिया जाएगा। हम कहाँ रहेंगे फिर? धर्म मिटेगा नहीं मिटेगा? मिटेगा। अब उसी तरह से मिटाया गया है और इसका कारण है आपका गुलामी। और 700 साल से आपने गुलाम स्वीकार किया है। 51 ये बातें टेलर बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, इसको रीड बोल रहे हैं, जो अंग्रेजों ने आया वे लोग कह रहे हैं कि यहां राजा लोग सबसे पहले 1151 ईस्वी में आया, 1793 में जमींदारी लगा और जमींदारी लगने के बाद जब जमींदार आया तब उस लोगों ने तो इतना भयानक क्रोश किया, इतना भयानक क्रोश किया, अरे आदिवासी फुल पॉइंट ना पिंधवे रहे, साड़ी ना पिंधवे रहे, आखरा ना जाबे रहे, भजन ना करबे रहे, बिनती सरना नहीं करोगे रे, खत्म करो रे, तुम जीतिया करो रे, तुम दसई करो रे, खालना ना करो, ढेकना ना करो, इखो लुटबो रे, उखो लुटबो, सबको लुट लिया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।